धार से बीजेपी सांसद इन दिनों अपनी फर्जी फेसबुक आईडी को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सरदारपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर फर्जी फेसबुक आईडी की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के धार महू लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद छतर सिंह दरबार की फर्जी फेसबुक आईडी की जांच और कार्रवाई की मांग हेतु भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम और राजगढ़ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि धार महू लोकसभा के बीजेपी सांसद छतर सिंह दरबार के नाम से किसी व्यक्ति ने फर्जी आईडी फेसबुक पर बनाई है। उक्त आईडी से समय समय पर अनर्गल पोस्ट की जाती है। ऐसी पोस्ट के माध्यम से सांसद की छवि धूमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त फर्जी फेसबुक आईडी की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के संजय बघेल सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर बल बहादुर ज्ञानेन्द्र मुणत पूर्व पार्षद नीलेश सोनी प्रफुल्ल रावत नरेश मामा गौरव सराफ मुन्नालाल जी कामदार के साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र सरदारपुर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरदारपुर से दीपक प्रजापत की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सरदारपुर द्वारा आज राजगढ़ थाने का ज्ञापन दिया गया, तो किस समय दिया उसके बारे में? पिछले कई दिनों से हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानी छतर सिंह जी दरबार के कोई नकली फेसबुक आईडी चला रहा है, एक फेसबुक आईडी चला रहा है। उस पर अभी पिछले तीन दिनों से बदनावर ने कुछ उसने डाला, इसके 15 दिन पहले ऐसा कुछ डाला। तो हमारे गौरव, हमारे सम्माननी, हमारे क्षेत्र के, हमारे संसदीय क्षेत्र के सम्माननी छतर सिंह जी दरबार के विषय में जो भी कोई व्यक्ति है, उस पर हमने माननीय एसडीएम महोदय और माननीय टीआई महोदय जी से निवेदन किया है कि उस व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे उचित सजा दी जाए। मेरा नाम बल बहादुर सिंह छड़ावत, क्राइसिस मैनेजमेंट सांसद प्रतिनिधि विधानसभा सरदारपुर। मेरे साथ में हमारे संजय जी बघेल, नीलेष सोनी, ज्ञानेन्द्र जी मुनाद, प्रफुल्ल दादा और पूरी सरदारपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज सर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा राजगढ़ द्वारा आपको ज्ञापन किया गया, माननीय सांसद महोदय लोकसभा एक आईडी का उपयोग करने के प्रयास संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुआ है। साइबर सेल से इसकी जानकारी एकत्रित कर सख्त कार्रवाई की।